हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं मेकअप। हम लगेंगे सुंदर सुंदर, तो ऐसे लगेंगे हम सुंदर सुंदर। और आलिया भट्ट का ये वाला मेकअप लुक हम क्रिएट करेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा था, आजकल बहुत चल रहा है। और हमारे पाउच का हमने मेकअप सारा निकाल लिया है। हमारा मेकअप शुरू होगा मॉइस्चराइजेशन के बाद, फिर हम लगाएंगे फाउंडेशन। यस, ये लोरियल का है, बहुत पुराना है, तो मैं इसे स्पॉन्ज से ब्लेंड करती हूँ अब धीरे धीरे। वैसे तो हम लोग हर काम धीरे धीरे ही करते हैं, तो ब्लेंडर तो बनता ही है हर चीज़ से ब्लेंड करना फेस को। तो मेरा ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड हो गया है मेकअप। अब मैं पेन स्टिक से अपनी आईज़ को स्टिक कर लूँगी, वाइट कर लूँगी, ताकि मेरा आई लुक अच्छे से दिखे। और मेरे पास तो यार ब्लशर है ही नहीं, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपना लिपस्टिक यूज़ करूँगी जो कि मेरा डेली यूज़ में भी आता। लिपस्टिक को अपने गालों पर अच्छे से लगा लिया है, साथ ही नाक पर भी मैंने लगा लिया है। और अब अंशु को भी ये चाहिए, इसको तो हर वो चीज़ चाहिए जो मुझे चाहिए, सो इसको दे दिया मैंने। और मैंने ब्लशर को ब्लेंड करके अच्छे से कॉन्टोर के लिए लाइनिंग कर ली अपने फेस पे, ताकि मेरा फेस हो जाए थोड़ा शेप में। यार बहुत फ्लैट फ्लैट लगता है फाउंडेशन लगाने के बाद, इसलिए मैं कॉन्टोर हमेशा ही करती हूँ। और मैंने ले लिया अपना न्यू पैलेट, ये न्यूड वाला है, तो न्यूड का आई पैलेट मैंने ओपन कर लिया है। ये है कुछ इस तरह का, काफ़ी अच्छे कलर हैं। और हमें लाइट ही मेकअप लुक चाहिए आलिया भट्ट जी जैसा, तो हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने ब्लशर को लॉक करूँगी, क्योंकि मैंने क्रीमी ब्लशर लिपस्टिक के थ्रू लगाया था, तो मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया है। अभी मेरा फेस थोड़ा दिखने लगा है अच्छे से। आई शेडो बनाने के लिए मैंने पहला कलर सेलेक्ट कर लिया है जिसकी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ सेकंड कलर, जो कि मेरा नीचे के लिए था। और अब मैं थर्ड के लिए अपना लिपस्टिक यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे नीचे से थोड़ा स्मोकी लुक चाहिए और मेरे पास ज़्यादा डार्क कलर है नहीं। तो लिपस्टिक को मैंने उंगली से अपने ब्लेंड कर लिया है, और उसी को सेट करने के लिए मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ नीचे आईलेट्स पर लगाने के लिए। इसको भी मैं अच्छे से सेट करूँगी, ताकि आँखों पर चिपचिपाहट या फिर किसी भी तरह से मेरा आई शेडो स्मच ना हो। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। काजल लगाने के बाद मैं इसको डार्क आई शेडो के साथ सेट कर रही हूँ। ये है मेरा मेबलिन का ब्रश, जिसके थ्रू मैं सेट कर लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अभी मेरी आँखें काफ़ी काली लग रही हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ भी ब्लेंड कर लेती हूँ ब्रश की हेल्प से। तो अभी मैंने ले ली है अपनी सस्ती सुंदर टिकाऊ लिपस्टिक, हुड्डा की है ये लोकल मार्केट से। तो मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी अपने लिप्स पर। और मैंने लिपस्टिक लगा ली है, आप देख सकते हैं काफ़ी न्यूड सा लुक आ रहा है इसका। इसके बाद मैं अपनी थ्रेड को भी शेप करूंगी। हमें अपनी थ्रेड को हमेशा ही शेप करना चाहिए, इससे फेस भी काफ़ी स्लिम और शेप में नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस मेरी थ्रेड में, दोनों ही थ्रेड कितनी अलग नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं दूसरी को भी शेप में कर लूँगी। ये है मेरी थ्रेड, अच्छी लग रही है यार। ऐसा लगता है कि थ्रेड कर लो तो काफ़ी कुछ सुधर जाता है, खास कर ऐसे लाइफ भी सुधर जाती। तो इसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा, क्योंकि मैं मस्कारा बीच में भूल गई थी। तो मस्कारा लगाने के बाद मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी। मैंने ट्राई किया है पूरा लुक कॉपी करने के लिए, बट ड्रेस मेरे पास नहीं थी। बट मैंने उसका हेयर बैंड, बो और इयररिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट, रिंग, हेयर स्टाइल सब मैच करने का ट्राई किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बताइएगा मैं कैसी